नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मौर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मावली उदयपुर पोस्टेड हूँ। और आज अपन जो बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर का जो मेजर सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अब अभी जो रिसेंट में अभी आने वाली वैकेंसी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसका जो कंप्लीट जो सिलेबस है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। अपन देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बेसिकली इसमें हॉर्टिकल्चर में जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानकारी देऊंगा। तो आज अपन सबसे पहले डिस्कशन करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द हॉर्टिकल्चर, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन सी भाषा का शब्द है और इसकी मुख्यतः तो कौन कौन सी ब्रांचेज होती है और उनमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या आखिरकार हॉर्टिकल्चर का स्कोप है, इन सब के बारे में अपन है जो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, क्या होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल वाले पौधों, पुष्पीय पौधों, सब्जियों एवं अलंकृत बागवानी का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर है जो एक कौन सी भाषा का शब्द है, हॉर्टिकल्चर मुख्यतः एक लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, ये लेटिन भाषा का शब्द है जो मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर के बना है, हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस प्लस कल्चरा, हॉर्टस का मतलब होता है उद्यान और कल्चरा का मतलब होता है उगाना या खेती करना। उद्यान से संबंधित जिन क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहलाती है। अब इसके बारे में नेक्स्ट है जो टॉपिक है, इसकी ब्रांचेज, मुख्यतः इसकी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं इनके बारे में अपन देखेंगे। हॉर्टिकल्चर की मुख्य ब्रांचेज, हॉर्टिकल्चर की मुख्य ब्रांचों के बारे में बात करूं तो सबसे पहले नंबर की जो ब्रांच है जिसका नाम है पोमोलॉजी, जो सबसे पहली ब्रांच है जिसका क्या नाम है, पोमोलॉजी, और इसको अपन हिंदी में बोलते हैं फल विज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, फल विज्ञान। सेकंड नंबर की जो ब्रांच है जिसका नाम है ओलेरिकल्चर, क्या नाम है, ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, और ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सब्जी विज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, सब्जी विज्ञान। थर्ड नंबर की जो ब्रांच है जिसका नाम है फ्लोरिकल्चर, थर्ड नंबर की जो ब्रांच है जिसका नाम है फ्लोरिकल्चर, हिंदी में बोलते हैं इसको पुष्प विज्ञान। और जो चौथे नंबर की ब्रांच है जिसका नाम है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग या अलंकृत बागवानी, जिसमें सुंदर सजावटी पौधे हो गई, लताएं हो गई, झाड़ियां हो गई, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और पांचवें नंबर की जो ब्रांच है जिसका नाम है पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी। जो इसी के साथ में जो अपना इसमें एक टॉपिक और रह गया है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट, जो कि इसमें अपन ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के साथ में ही डिस्कशन करेंगे। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, देखिए बेटा सबसे पहले नंबर की जो ब्रांच है जिसका क्या नाम है, पोमोलॉजी या फल विज्ञान, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल वाले पौधों की खेती का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, पोमोलॉजी या फल विज्ञान। बेटा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से फल विज्ञान का अध्ययन कौन सी ब्रांच में किया जाता है, पोमोलॉजी या फल विज्ञान का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। और इसमें से जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोमोलॉजी जो शब्द है मुख्यतः कौन सी भाषा का है, ग्रीक व लेटिन दोनों भाषाओं से मिलकर के बना शब्द है ये, मुख्यतः कौन सी भाषाओं से मिलकर के बना शब्द है, ग्रीक व लेटिन दोनों भाषाओं से मुख्यतः मिलकर के बना हुआ शब्द कौन सा है, पोमोलॉजी, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, फल वाले पौधों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। सेकेंड नंबर की जो ब्रांच है वेरी इंपॉर्टेंट ओलेरिकल्चर, जिसको अपन बोलते हैं सब्जी विज्ञान, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है,
ओलेरिकल्चर, और ये ओलेरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। तीसरे नंबर की जो ब्रांच है फ्लोरिकल्चर, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, पुष्प विज्ञान, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्पीय पौधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। और ये फ्लोरिकल्चर भी कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? लैटिन भाषा का शब्द है। अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करें, चाहे अपने जो जेट का एग्जाम होता है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए उसके बारे में बात करें, तो मुख्यतः अपने कौन कौन से पुष्पीय पौधे आएंगे इसमें? गुलाब है, गुलाब है, गेंदा है, क्राइसेंथिमम है, और इसी प्रकार से अपने मैरीगोल्ड या हजारा है, ग्लेडियोलस है, रजनीगंधा है। इन सभी पुष्पीय पौधों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाएगा क्या कहलाएगा? हॉर्टिकल्चर। और ये अपने पांच छह पुष्पीय पौधे हैं जिनमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं अपन इस ब्रांच में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट नंबर की जो ब्रांच है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग या अलंकृत बागवानी, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सुंदर सजावटी पौधों, लताएं एवं झाड़ियों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है क्या कहलाता है? ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर व जेट में इसके साथ में एक ब्रांच या टॉपिक दे रखा है मेडिसिनल प्लांट, प्लांट्स या औषधीय महत्व के पौधे। औषधीय महत्व के पौधों के बारे में अपने जो जेट व एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो सिलेबस में दे रखा है, अपने पहले जो सबसे पहला नंबर का प्लांट है अफीम है, तुलसी है, और सफ़ेद मूसली है, विभिन्न इसबगोल है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, सात आठ, इनके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे, और इनके रिसर्च सेंटर के बारे में भी अपन देखेंगे, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के बारे में भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसका नाम है पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी। देखिए बेटा इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसकी डेफिनेशन आप देखें। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों फूलों सब्जियों एवं सुगंधीय पौधों की तुड़ाई के बाद में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है क्या कहलाता है? पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसे मैं बात करूं टमाटर की, तो टमाटर के अपन कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं जिसके द्वारा किसान को अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके? तो टमाटर के कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं अपन? टोमेटो सॉस हो गया, या टोमेटो केचप हो गया, टोमेटो चटनी हो गई। इसी प्रकार से अपन बात करें टोमेटो चिप्स हो गई, इसके बाई प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन या इनको बनाने की जो क्रियाओं का अध्ययन कौन सी शाखा में करेंगे अपन? पीएचटी। इसी प्रकार से मैं बात करूं आंवला, आंवला मार्केट में देखे बेटा तो ये 5 से 6 रुपए किलो बिकता है, इसके बाई प्रोडक्ट्स इसको प्रोसेसिंग करके यदि अपन मार्केट में बेचें, बाई प्रोडक्ट्स तैयार करके मार्केट में बेचें, तो यही आंवले का मुरब्बा 200-250 रुपए किलो भी अपना है जो बिक सकता है। तो इसी प्रकार से आंवला के क्या क्या बना सकते हैं अपन? आंवला का पाउडर बना, चूर्ण बनाया जाता है, आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है, आंवले की चटनी बनाई जाती है। इसी प्रकार से आंवले से विभिन्न प्रकार के औषधीय शैम्पू वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो इन सभी क्रियाओं का अध्ययन अपन कौन सी ब्रांच में करेंगे? पीएचटी। इसी प्रकार से अपना जैम है, जेली है, अचार है, चटनी है, सॉस है, केचप है, इन सब क्रियाओं का अध्ययन अपन कौन सी ब्रांच में करेंगे? पीएचटी। इसी प्रकार से मैं बात करूँ पुष्पीय पौधों में अपने गुलाब, गुलाब के द्वारा अपन क्या तैयार कर सकते हैं? गुलाब का गुलकंद तैयार किया जा सकता है, गुलाब से तेल निकाल करके विभिन्न प्रकार के जो अपने ये बाय सौंदर्य प्रसाधन के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, क्रीम क्रीम आती है, पाउडर वगैरह आते हैं, उनमें भी इसकी सुगंध का है जो काम में लिया जाता है। तो इन सभी क्रियाओं का अध्ययन अपन किस में करेंगे? पीएचटी। तो ये अपने बेसिकली जो सिलेबस में दे रखे हैं टॉपिक्स, ये मुख्यतः अपने पांच ब्रांच हैं, इनके बारे में अपन जो डिस्कशन करेंगे। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इनके फादर्स के बारे में देखेंगे अपन, फादर्स पितामह, इनके फादर्स के बारे में अपन है जो डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हैं अपने हॉर्टिकल्चर के पितामह कौन है? हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान के विश्व में पितामह कौन है? विलियम कैरी या टी ए नाइट, विलियम कैरी या टी ए नाइट नामक जो वैज्ञानिक है, इनको उद्यान विज्ञान का विश्व में पितामह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए बेटा फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर विश्व में कौन है? विलियम कैरी या टी ए नाइट, दोनों एक साथ नहीं आएंगे ऑप्शन में, दोनों में से एक ही आएगा। दूसरा आएगा भारत में
इंडिया में फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर के नाम से कौन से वैज्ञानिक को जाना जाता है? एम एच मोरिगोविडा। एम एच मोरिगोविडा जो साइंटिस्ट हैं उनको भारत में उद्यान विज्ञान के पितामह के नाम से जाना जाता है। अब मैं बात करूं ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर या सब्जी विज्ञान के जो पितामह कौन है? एल एच बेली नामक वैज्ञानिक है, जिसको एल एच बेली नामक वैज्ञानिक को सब्जी विज्ञान या ओलेरिकल्चर के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, फ्लोरिकल्चर पुष्पीय विज्ञान के पितामह कौन है भारत में? डॉक्टर एम एस रंधावा नामक वैज्ञानिक है। डॉक्टर एम एस रंधावा नामक वैज्ञानिक को पुष्प विज्ञान के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से मैं बात करूं डिब्बाबंदी या कैनिंग, कैनिंग के पितामह कौन है? निकोलस एपर्ट। कौन से हैं? निकोलस एपर्ट नामक वैज्ञानिक को डिब्बाबंदी के जनक के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण इस एपर्ट नामक वैज्ञानिक इस क्रिया के जनक हैं, इस कारण इस क्रिया को एपर्टाइजिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पांच है जो मुख्यतः अपने, इनमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर के पितामह, हॉर्टिकल्चर के पितामह विश्व में कौन है? विलियम कैरी या टीए नाइट है। भारत में उद्यान विज्ञान के पितामह कौन है? एम एच मोरिगोविडा नामक वैज्ञानिक है। नेक्स्ट ओलेरिकल्चर या सब्जी विज्ञान के पितामह कौन है? एल एच बेली नामक वैज्ञानिक है। इसी प्रकार से फ्लोरिकल्चर या पुष्प विज्ञान के पितामह कौन है? डॉक्टर एम एस रंधावा नामक वैज्ञानिक है। इसी प्रकार से मैं बात करूं कैनिंग या डिब्बाबंदी जनक के पितामह कौन है? निकोलस एपर्ट। इस कारण इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? एपर्टाइजिंग के नाम से भी जाना जाता है। बेटा इनमें से कई बार ही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ये कैनिंग का क्वेश्चन तो कई बार ही पूछ लिया कि निम्न में से कैनिंग या एपर्टाइजिंग की क्रिया के जनक कौन है? डॉक्टर निकोलस एपर्ट नामक वैज्ञानिक को कैनिंग या डिब्बाबंदी के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है बेटा, गोल्डन रिवॉल्यूशन या सुनहरी क्रांति के जनक, सुनहरी क्रांति के जो जनक हैं उसका क्या नाम है? डॉक्टर के एल चड्डा नामक वैज्ञानिक है, जिनको सुनहरी क्रांति के जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर के एल चड्डा। क्रांति, क्रांतियां या रिवॉल्यूशन के अपन नेक्स्ट अभी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो एक सुनहरी क्रांति है, वो अपने फल फल वाले पौधों से संबंधित क्रांति है, जिसमें सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2015 एग्जाम हुई थी, सुपरवाइजर किसमें से क्वेश्चन पूछा गया था? जेट में। तो कई बार ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से गोल्डन रिवॉल्यूशन या सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। किससे संबंध है? फल उत्पादन से। और इसके पितामह कौन है? डॉक्टर के एल चड्डा। और ये सुनहरी क्रांति है, उसमें सर्वाधिक योगदान देने वाला फल कौन सा था? सेब, जिनके बारे में अपन नेक्स्ट है जो डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं बात करूं क्रांतियों के बारे में, जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जामों में भी पूछा गया है, और जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं बेटा उन्हीं के टॉपिक्स के बारे में अपन ज्यादा डिस्कशन करेंगे। रिवॉल्यूशन या क्रांतियां, रिवॉल्यूशन या क्रांतियां, रिवॉल्यूशन या क्रांतियां क्या होता है? रिवॉल्यूशन किसी भी क्षेत्र विशेष में उस चीज का उत्पादन अत्यधिक होना, सामान्य से अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन या क्रांति कहलाता है, रिवॉल्यूशन या क्रांति कहलाता है। तो अपन कौन से टॉप, कौन से सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? हॉर्टिकल्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अपने हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो भी क्रांति है उनके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले अभी अपन ने बात की थी सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। किससे संबंधित है? इसका फलोत्पादन से है। और सुनहरी क्रांति में सर्वाधिक योगदान देने वाला जो फल था वो कौन सा था? सेब, एप्पल। और इसके पितामह के बारे में अपन ने देखा तो पता चला कि सुनहरी क्रांति के पितामह कौन है? डॉक्टर के एल चड्डा नामक साइंटिस्ट है। दूसरी बात करूं वेरी इंपॉर्टेंट परभनी क्रांति, परभनी क्रांति, परभनी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन से है। परभनी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन से है। इसी प्रकार से मैं बात करूं गोल क्रांति, गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध किससे है बेटा? आलू उत्पादन से है। इसी प्रकार से
लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से है। और एक वैरायटी और है राजेंद्र, एक क्रांति और है राजेंद्र क्रांति, ये बेसिकली मेथी की एक वैरायटी है जो कि बहुत ही अत्यधिक उत्पादन देती है। तो इसका संबंध किससे है? मेथी उत्पादन से। किससे संबंधित है इसका? मेथी उत्पादन से। ध्यान दे बेटा, ये पांच मुख्यतः अपने हॉर्टिकल्चर से संबंधित क्रांति हैं, जिनमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो ये फर्स्ट वाली जो क्रांति है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डबल स्टार डाले। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। और इस क्रांति में जो सर्वाधिक योगदान देने वाला जो फल था वो कौन सा था? सेब। और इस क्रांति के जनक भी पूछे या फादर भी पूछे तो कौन है? डॉक्टर KL चड्ढा नामक वैज्ञानिक है जो इसको सुनहरी क्रांति के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर की जो क्रांति है परभनी क्रांति, परभनी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन से। परभनी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन से। तीसरे नंबर की जो क्रांति है गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। और चौथे नंबर की जो क्रांति है जिसका नाम है लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से। और पांच नंबर की जो इंपॉर्टेंट है क्रांति है जिसका नाम है राजेंद्र क्रांति, राजेंद्र क्रांति का संबंध किससे है? मेथी उत्पादन से। राजेंद्र क्रांति एक मेथी की वैरायटी है जो कि बहुत ही ज्यादा उत्पादन देती है, सामान्य किस्मों से अत्यधिक उत्पादन देती है। और अभी अपन ने देखा कि क्रांतियां या रिवोल्यूशन किसे कहते हैं, कि किसी भी क्षेत्र विशेष में या किसी भी फल का या सब्जियों का या किसी भी चीज का अत्यधिक, सामान्य से अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन या क्रांतियां कहलाता है। तो बेटा इसमें जो पहले नंबर की जो क्रांति है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये लास्ट वाली है राजेंद्र क्रांति मेथी उत्पादन, राजेंद्र क्रांति का संबंध किससे है? मेथी उत्पादन से। ये क्वेश्चन कई बार ही एग्जामों में है जो पूछे हुए हैं। अभी अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन देख ली ये हॉर्टिकल्चर वगैरह, अपन बेसिक इंट्रोडक्शन में फिर अपन ने देखा कि ये कौन कौन सी भाषाओं के शब्द हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा फादर्स या पितामह के बारे में अपन ने देख लिया, ब्रांचेस के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया। अब अपन बात करेंगे इनके फल सब्जियों पुष्पीय पौधे इनके सबके उपनाम के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन? इनके उपनाम के बारे में। सबसे पहला फलों का राजा, फलों का राजा कौन है बेटा? आम। फलों का राजा कौन है? आम। दूसरा फलों की रानी, फलों की रानी कौन है? लीची। फलों की रानी कौन है? लीची। नेक्स्ट सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा कौन है? आलू। और नेक्स्ट सब्जियों की रानी, नेक्स्ट है बेटा सब्जियों की रानी, सब्जियों की रानी कौन है? भिंडी। और परभनी क्रांति का संबंध भी अभी अपन ने डिस्कशन किया है, परभनी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन से। इसी प्रकार से बात करूं मैं पुष्पीय पौधों का राजा, पुष्पीय पौधों का राजा कौन है? गुलाब। और पुष्पीय पौधों की जो रानी है कौन है? गुलदाउदी। नेक्स्ट मसालों का राजा, मसालों का राजा कौन है? काली मिर्च। मसालों का राजा कौन है बेटा? काली मिर्च। नेक्स्ट है मसालों की रानी, मसालों की रानी कौन है? छोटी इलायची। मसालों की रानी कौन है बेटा? छोटी इलायची। इसी प्रकार से नेक्स्ट उष्णीय फलों, शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा कौन है? बेर। और उष्णकटिबंधीय फलों का सेब कौन है? उष्णकटिबंधीय फलों का जो सेब है वो कौन है? अमरूद। बेर को गरीब का फल या गरीब के सेब के नाम से भी जाना जाता है, बेर को गरीब का फल या गरीब के सेब के नाम से भी जाना जाता है।
और ये उष्णकटिबंधीय फलों का जो सेब है वो कौन सा है? अमरूद। गरीब का फल कौन सा है? बेर। देखिए बेटा दोबारा से देखेंगे अपन, उपनाम के बारे में अपन अभी डिस्कशन कर रहे हैं। पहले नंबर का है फलों का राजा, फलों का राजा कौन है? आम। इसको बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है या नेशनल फ्रूट या राष्ट्रीय फल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन इसमें से भी कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से वह कौन सा फल है जिसमें विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है बेटा? आम में पाया जाता है। उसके बाद में विटामिन ए किस में पाया जाता है? पपीता में पाया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट मैं बात करूँ फलों की रानी, फलों की रानी कौन है? लीची। और लीची का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है, वो अभी अपन नेक्स्ट बात करेंगे। एरिल, जो इसका खाने योग्य भाग कौन सा है बेटा? एरिल। इसी प्रकार से नेक्स्ट मैं बात करूं सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा कौन है? आलू, जिसको गरीब का दोस्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सब्जियों की रानी, सब्जियों की रानी कौन है? भिंडी, जिसमें सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 130। और इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से परभनी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन से। यह भी अभी अपन ने डिस्कशन किया थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट मैं बात करूं पुष्पीय पौधों का राजा कौन है? गुलाब, जिसकी चार स्पीशीज पाई जाती हैं। अलग अलग स्पीशीज अपन जब गुलाब के बारे में डिस्कशन करेंगे तब देखेंगे। इसी प्रकार से मैं बात करूं फूलों की रानी कौन है? गुलदाउदी। इसी प्रकार से नेक्स्ट मसालों का राजा, मसालों का राजा कौन है? काली मिर्च। और मसालों की रानी कौन है? छोटी इलायची। गरीब का फल या गरीब का सेब क्या है? बेर। इसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय फलों का सेब क्या है? अमरूद। क्यों कहा जाता है इसको उष्णकटिबंधीय फलों का सेब? क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंटिव वैल्यू होती है, पोषक तत्वों की मात्रा होती है, वो सेब के कंपेयर या इक्वलिटी या रिजेंबल समान ही पाई जाती है। इस कारण इसको उष्णकटिबंधीय फलों के सेब के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इस कारण इसको उष्णकटिबंधीय फलों के सेब के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वेराइटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ 49 है, इलाहाबादी सफेदा है, हफ्सी व हरीजा है, जिनके बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे पोमोलॉजी में, तब इनके बारे में देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन में ये उपनाम वगैरह है जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। अब अपन बात करेंगे सेंट्रोप एक्सीलेंस या उत्कृष्टता केंद्र के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रोप एक्सीलेंस या उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र या सेंट्रोप एक्सीलेंस, सबसे पहले तो देखें ये क्या होते हैं। उत्कृष्टता केंद्र वे केंद्र होते हैं जहाँ किसी भी फल, सब्जी या पुष्पीय पौधे या मसाले वाले पौधे या अन्य भी कोई भी अपनी एग्रीकल्चर कमोडिटी हो, उनका बड़ा रिसर्च सेंटर होता है, जहाँ पे उनके बारे में है जो डिटेलली रिसर्च वगैरह किए जाते हैं। इनमें से भी कई बार क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जैसे सबसे पहला है अपने अनार का। अनार का उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? डिंडोल बस्सी जयपुर में स्थित है। डिंडोल बस्सी जयपुर में है बेटा। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2015 में पूछा हुआ है, उसके बाद में जेट वगैरह में भी कई बार पूछ लिया कि अनार का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? डिंडोल बस्सी जयपुर। इसी प्रकार से नेक्स्ट में बात करूं अमरूद, अमरूद का कहाँ स्थित है? देवड़ावास टोंक में स्थित है, देवड़ावास टोंक में स्थित है। इसी प्रकार से नेक्स्ट मैं बात करूं आम का, आम का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? खेमरी धौलपुर में स्थित है, खेमरी धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करूं खजूर का, खजूर का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? सगरा भोज का जैसलमेर, सगराबोज का जैसलमेर। नेक्स्ट सीताफल का, सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करूं सब्जियों का, सब्जियों का जो उत्कृष्टता केंद्र स्थित है बेटा, ये अपने बूंदी में स्थित है,
नेक्स्ट मैं बात करूं पुष्पीय पौधों का बेटा ये कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बेटा नींबू वर्गीय फलों का, नींबू वर्गीय जो फलों का उत्कृष्टता केंद्र है, नींबू का जो उत्कृष्टता केंद्र है बेटा कहाँ स्थित है? नांता कोटा। कहाँ स्थित है बेटा? नांता कोटा में स्थित है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक खेती का ये कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। और संतरा का उत्कृष्टता केंद्र भी कहाँ स्थित है अपने? झालावाड़ में। ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक खेती का तथा संतरा का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। इसी प्रकार से बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उत्कृष्टता केंद्र है जो एक और बच गया है जिसका नाम है औषधीय महत्व के पौधों का उत्कृष्टता केंद्र। औषधीय महत्व के पौधों का जो उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? मावली उदयपुर। और बेटा इसका नाम लेते मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मैं एट प्रेजेंट में अभी यहीं मावली उदयपुर में ही पोस्टेड हूँ, जहाँ पे अपना जो औषधीय महत्व का मेडिसिनल प्लांट का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो यही स्थित है बेटा। तो इस प्रकार से ये उत्कृष्टता केंद्र हैं, इनके बारे में अपन ने देखा। इनमें से भी क्वेश्चन है जो एक ना एक क्वेश्चन हर बार एग्जामिनर उठाता है, राजस्थान में विभिन्न अपने जो फल वाले पौधे हों, चाहे पुष्पीय पौधे हों, चाहे अपनी विभिन्न प्रकार की सब्जियां हों, चाहे अपने मेडिसिनल प्लांट हो, इन सबके उत्कृष्टता केंद्र में से क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। एक बार अपन और देख लेते हैं। सबसे पहला है जो उत्कृष्टता केंद्र अनार का बेटा, ये इसमें से क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा था कि निम्न में से अनार का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? डिंडोल बस्सी जयपुर। नेक्स्ट अमरूद का कहाँ स्थित है? देवड़ावास टोंक। थर्ड नंबर आम, आम को क्या कहते हैं? बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय फल के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक विटामिन किस में पाई जाती है? सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाई जाती है? आम। उसके बाद में किस में पाई जाती है? पपीता में। और इसका जो उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है बेटा? खेमरी धौलपुर। ध्यान दें यहाँ पे खेमरी धौलपुर में अपने एस के एन कॉलेज के एन एस के एन यूनिवर्सिटी के अंडर में ये कॉलेज भी स्थापित कर दी गई है 2019 से ही। नेक्स्ट मैं बात करूं खजूर का जो उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है बेटा? सगराबोज का जैसलमेर। नेक्स्ट सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट सब्जियों का वेजिटेबल्स का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? बूंदी में। नेक्स्ट पुष्पीय पौधों का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। उसके बाद में है आपने नींबू का नैफोर, नींबू नैफोर नांता कोटा में इसका उत्कृष्टता केंद्र है। नेक्स्ट अपने कार्बनिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग एवं संतरा, इनका उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। और लास्ट एंड फाइनल औषधीय महत्व के पौधों का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? मावली उदयपुर में स्थित है, जहाँ पे मैं अभी रिसेंट में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पोस्टेड हूँ। थैंक यू बेटा। इस क्लास में से किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करें और अपने चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। इनमें से जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है, इनमें जो अपने नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेशनल रिसर्च सेंटर एवं अपने उद्यान से संबंधित कौन कौन से संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह हैं जो बच गया है वो अपन देखेंगे कल नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें बेटा। इनमें से 100% है क्वेश्चन जरूर आएगा, और पहले जो लास्ट एग्जाम है प्रीवियस एग्जाम है उनमें से भी क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं।